मैम प्लीज थोड़ा सा आज की जो सैड न्यूज जो आई है सामने पूनम जी को लेकर, हाँ मैंने एक्चुअली गाड़ी में लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल ऑनेस्टली, मतलब आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माई फ्रेंड एंड आई वी वर लाइक दिस इज सच अ सैड न्यूज एंड सच अ सैड न्यूज टू स्टार्ट योर डे विद, बट अलॉन्ग विद दैट आई थिंक मैं सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी दैट प्लीज़ गेट योर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ASAP बिकॉज मुझे भी लेनी है एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में हम जितना आसपास अपनी दोस्तों को और लड़कियों को अवेयरनेस देंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, सो I mean, I just hope that her soul rests in peace. Health को लेकर चीजें काफी priority होनी चाहिए हमेशा ही. बिल्कुल. Health के लिए भी अगर कुछ like. यार मुझे लगता है कि अभी any which ways everybody is quite aware about the fitness and you know how our health is very important, especially अभी इतना pollution और इतनी सारी चीजें लगा lifestyle also is quite random कह सकते हैं कि किसी का कोई routine नहीं रहता है, अगर रहता भी है तो बहुत ही खराब रहता है, so please never neglect it. बिकॉज पिछले साल मैंने ये सफ़र किया था, मैंने अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एंड देन आई नो कि मैंने किस तरह से सफ़र किया था, सो बस सेहत का ध्यान रखिए वो है तो सब है. नाज़रीन मुनव्वर के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो ट्रॉफी के विनर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस एंड यार और क्या, आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ बिग बॉस बट ऑब्वियसली द काइंड ऑफ क्रेज मैंने वो देखा था, वो एक क्लिप देखी थी जिसमें लाइक everybody was there on the streets and quite crazy, I mean he definitely has got like a crazy amount of fandom and people following him. Thank you. Bye bye.